यह है समाज सेवी सरबजीत सिंह, जो करीब 14 वर्ष पूर्व अपनी आंखों की रोशनी गवा चुके हैं, लेकिन समाज सेवा का जज्बा उनमें अभी भी बरकरार है। सरबजीत सिंह के प्रयासों से ही हर महीने 100 से अधिक जरूरतमंद परिवारों के घरों को निशुल्क राशन पहुंचाया जाता है। करीब 2.5 साल पहले सरबजीत सिंह ने नाहन में दशमेश रोटी बैंक की स्थापना की और राशन वितरण के लिए सिख युवाओं की टीम खड़ी की। ये टीम हर महीने लगभग 100 परिवारों को निशुल्क राशन वितरित करती है। परमात्मा ने कृपा की थी, जिन्नी भी टीम दे नाल बंदे हैं सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं जी। जो भी उन्होंने डायरेक्शन देने हैं वो डायरेक्शन 100% ईमानदारी ना फॉलो करते जी। तकरीबन 100-150 परिवार को मंथली राशन देने जी, तो टीम साड़ी बहुत वड्डी है। तो क्योंकि जिहड़ा हिमाचल एरिया थोड़ा वीक सी, मैं इत्थे पढ़िया जी हिमाचल दे विच, ते इत्थे थोड़ा इनकम सोर्स है नहीं जी, तो इनकम सोर्स ना होने करके फिर असीं इस इलाके नूं चुणिया वी इत्थे आपां रोटी दा काम शुरू करिए जी। कोरोना काल में सरबजीत सिंह ने करीब 10,000 से अधिक लोगों तक मदद पहुंचाई। उन्होंने अपनी टीम के माध्यम से निशुल्क राशन के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे। पहला लिस्ट बनाने हैं भी अपन की काम करने जरूरी हैं, केड़े काम प्रायोरिटी ते हैं, तो लिस्ट बनाएंगे। बच्चों के लिए जैसे दूध चाहिए, बच्चे लिए दूध का जरूरी होना जरूरी है। कोरोना टाइम बंदा घर तो बाहर नहीं आ सकता, फिर लिस्ट बना के हमने लिस्ट बनाई भी कितने टोटल मेंबर हैं जिनको खाना बांटना है। उसमें हमने देखा 15 से 20 हज़ार आदमी को खाना देना जरूरी है, पका हुआ और कच्चा। फिर उनको मास्क दिए, सैनिटाइजर वगैरह, फिर लिस्ट बना के फिर टीम की पूरी ड्यूटी लगाई भी क्राउड भी नहीं होना चाहिए, हौच पौच भी ना हो, कोई सी के साथ वितकरा भी ना हो, भी आप कुदरत के बंदे समझ के सेवा करनी है। ये नहीं देखना ये मेरा रिश्तेदार है या ये सिख है, मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, ये नहीं देखना जी। सरबजीत सिंह से मदद प्राप्त कर चुके लोगों का कहना है कि महामारी के इस संकट काल में उनकी वजह से ही वे अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। उमर को राशन दे रहा बेचारा, 2 साल हो गए उमर को राशन देते बेचारा, और हर महीने मिलता उमर को राशन। हमें गुरुद्वारे से सरबजीत करनी से जी राशन मिलता है हर महीने, 2 सालों से पीछे से जी हमें राशन मिलता है इनके। ये लॉकडाउन में भी हमें जी बहुत अच्छा से राशन मिला है जी, इतना अच्छा हमारा घर चला है जी, हमें कोई परेशानी नहीं आई। सरबजीत सिंह के मित्रों का कहना है कि वे लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं 30 ईयर से सरबजीत सिंह को मैं जानता हूँ, ये बहुत ज़्यादा सोशल वर्कर है। एक प्रोफेसर होने के बावजूद भी इसने सरकारी पब्लिक की सेवा के लिए अपनी नौकरी को त्याग दिया, और आज से मैं 30 साल से इनको लगातार देख रहा हूँ कि ये पब्लिक की सेवा करते हैं और निष्काम सेवा है, उसमें किसी भी तरह का कोई विकतरा नहीं है। और मैं इनके इतना बड़ा फैन हूँ, मैं आपको ये बात नहीं बता सकता। ये इतने अच्छे इंसान हैं, हर एक इंसान का दुख सुनते हैं, चाहे किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हो, चाहे किसी को भूख कपड़े की जरूरत हो, हर इंसान की हर तरह की ये सेवा करते हैं। सरबजीत सिंह शिक्षा विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे, लेकिन आंखों की रोशनी चले जाने पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और समाज सेवा में जुट गए। सरबजीत सिंह की समाज सेवा का यह जज्बा काबिले तारीफ है। DD News के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।